स्वर्गीय महात्मा भारत रत्न श्री गुजारिया नंदा जी की आज 126वीं जयंती मनाई जा रही है। हम सबका सौभाग्य है क्षेत्रवासियों को कि जयंती जिनकी यहाँ पर कुक्षेत्रा डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा और अग्नि क्षेत्रा विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ मनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात है उन्होंने किस प्रकार से नंदा जी का जन्म 1898 में सियालकोट में हुआ और वहाँ से उन्होंने किस प्रकार से उनके पिताजी किस प्रकार से उर्दू के टीचर थे और वहाँ से उसके बाद वो चले गए मुंबई में चले गए और वहाँ जाकर किस प्रकार से उन्होंने मजदूरों की आवाज़ को उठाया। उठाने के बाद वो दो बार गुजरात से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, दोनों बार जीते। उसके बाद यहाँ पर 1967 में जब 1966 में हरियाणा बना, 67 में उन्होंने यहाँ से कैथल लोकसभा के नाम से उतरी, यहाँ से इलेक्शन लड़ा और यहाँ से विजय प्राप्त करी। उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि गोल भी बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि यहाँ पर नंदा जी को बहुत से हमारे परिवार हैं, श्री विजय सोरवाल जी, श्री देवी विजय सोरवाल जी, पिताजी धर्मवीर जी, श्री अपना कृष्ण देवीता जी के पिताजी मुन्ना जी, डॉक्टर शांति स्वरूप जी, रोहित शर्मा जी के पिताजी, इसी प्रकार हमारे सुशी जी के माता शत्रुघ्न नारायण जी, बहुत से परिवार उनको यहाँ के साथ उनके लिख रहे लेके आए। आज जो आप ब्रह्म सरोवर देख रहे हैं अगर वो देन है तो अदेन नंदा जी की देन है। इस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार से कृष्णा कॉलेज खोला, कृष्णा यूनिवर्सिटी कॉलेज खोला, आज बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन रहा है, तो ये अगर देन है नंदा जी की देन है। आज ब्रह्म सरोवर इतना बड़ा उन्होंने दिया है, आज इतना बड़ा हम गीता जयंती का उत्सव मना रहे हैं, अगर इस प्रकार के 35 लाख लोग आ रहे हैं, अगर ये ब्रह्म सरोवर नंदा जी की देन ना होता शायद ना होता, उनकी देन के कारण ही यहाँ पर आज ये इतनी बड़ी जयंती का अवसर मनाया जाता है। तो मैं कहूँगा इसके अंदर बहुत से हमारे आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ थी उनके द्वारा आज उनकी प्रेरणा के लिए यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी लगाई गई, उनके किनकी के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे और उनको बड़ा प्रेरणा का स्रोत मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी एक नंदा जी की देन है। उन्हीं के मार्गदर्शन पर मैं अपनी बात भी कहूँगा कि मुझे भी यहाँ पर आज MLA बना, आज लोकल बॉडी मिनिस्टर बना, तो उनके मार्ग में हम कुक्षेत्र को और आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।